यूपी के बागपत में घर में घुसकर लाखों की लूट, बदमाशों ने महिला को बंधक बनाया, आरोपी मौके से फरार। यूपी के शामली में नाबालिग से रेप, रिश्ते में मामा पर आरोप, बच्ची मानसिक रूप से कमजोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर में छात्रों का हंगामा, महिलाओं ने छात्रों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यूपी के पीलीभीत में महिला का शराब तस्करों के खिलाफ हल्ला बोल, कच्ची शराब के कारोबार को बंद करवाया। लखनऊ में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर, फुल ड्रेस रिहर्सल में बच्चे भी शामिल हुए। आगरा में अवैध अस्पताल में स्वच्छता विभाग का छापा, लक्ष्मी गणेश अस्पताल को सील किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दो गुटों में मारपीट, फायरिंग में युवक को गोली लगी। कांग्रेस एमएलए हेमंत कटारे का हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप, पैसे मांगने वाली युवती गिरफ्तार। आरोपी लड़की के पास से 5 लाख बरामद, बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने का आरोप। राजस्थान के सूरतगढ़ में 2 ट्रेलर में भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, हाईवे पर जाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का हमला, 4 जवान शहीद, 10 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग से रेप, पंचायत का फैसला लेकर समझौता करने का फरमान, 5 लड़कों पर आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी युवक पर आरोप, युवक गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र में 3 लाख की लूट, दोनों बदमाश फरार, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। चंडीगढ़ में युवक ने पंखे से लटक कर जान दी, प्रेमिका से कहा सुनी के बाद आत्महत्या की। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसे के लेन देन में युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भिलाई में महिला पुलिस ने अफसर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, सीएम और एसपी से शिकायत। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला की जलने से मौत, खाना अच्छा नहीं बनाने को लेकर पति से झगड़ा हुआ था। बिहार के सिवान में बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की, जमीन विवाद को लेकर परेशान था। बिहार के दरभंगा में बेकाबू कार पलटी, 2 बच्चों की मौत, 5 बच्चे घायल। नागपुर में 2 बाघों ने 2 युवकों को घेरा, बाइक सवार युवक डर के भागे। गुरुग्राम में चलती ट्रक में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागान के कर्मचारी का प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी, बर्फबारी से ठंड बढ़ी। अयोध्या में आसियान देशों की रामलीला का आयोजन, 2 दिनों तक रामलीला महोत्सव चलेगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू, वसुंधरा राजे उद्घाटन करेंगी, 5 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। जेपीएससी की परीक्षा स्थगित, 29 जनवरी को परीक्षा होनी थी। सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए बूस्टर प्लान, सरकारी बैंकों को 88,000 करोड़ रुपए मिले। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, आपका पैसा सुरक्षित है, सरकारी बैंक को डूबने नहीं देंगे। बैंक की गलती से होने वाले फ्रॉड पर खाताधारकों की राहत, अब 10 दिन में बैंक वापस पैसे लौटाएंगे।